इंतजार हुआ खत्म, आ गई कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब तक किया जा रहा इंतजार समाप्त हो गया। देर शाम दिल्ली से स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी बरेली पहुंच गई है, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी खास तैयार दिखा। वैक्सीन की देखरेख के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ऐसा कड़ा पहरा किया गया है। दिल्ली से देर शाम जैसे ही वैक्सीन गाड़ी से बरेली पहुंची तो सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। फिलहाल तो बरेली में 16 जनवरी को वैक्सीन लगने का काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही मंडल के सभी जिलों में बरेली से वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। मंडल के सभी जिलों के लिए 1,42,000 डोज की सप्लाई बरेली पहुंची है। इस दौरान बरेली एसएसपी वैक्सीन के रखरखाव देखने के लिए पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जनपद के सभी 7 अस्पतालों में 16 जनवरी को टीकाकरण का शुभारंभ किया जाएगा। यहाँ पर कुल 1,42,500 डोज वैक्सीन हमें प्राप्त हुई है। दिल्ली से आई है बाय रोड रेफ्रिजरेटेड वाहन के द्वारा, बाकायदा टेम्परेचर मेंटेन करते हुए पूर्ण सुरक्षा के साथ। इसके अलावा हमारे यहाँ पर उसके लिए एक WIC कक्ष है, जिसमें जो इसके लिए आवश्यक जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करते हुए हमने उसको रखा है। इसके अलावा यहाँ पे सुरक्षा के लिए यहाँ SSP महोदय के सहयोग से 4 जो है वो कांस्टेबल लोग तैनात हैं लगातार 24 घंटे, और साथ में हमने CCTV कैमरे भी लगाए हैं। इसके अलावा अग्निशामक यंत्र वो भी लगे हुए हैं, और हमारा जो पूरा स्टाफ है वो भी 24 घंटे ड्यूटी के लिए यहाँ पे तैनात है। ये कहाँ कहाँ के जनपदों की आई हैं या अकेले बरेली के लिए? नहीं, ये बरेली और मुरादाबाद मंडल, ये 2 मंडलों के लिए। कितनी डोज हैं? टोटल 1,42,500। सबसे पहले कितनी कब से शुरू होगा टीकाकरण? ये 16 जो है जनवरी से स्टार्ट होगा, ये पूरे ऑल ओवर UP में और भी स्टेट्स में है। बरेली में कितने सेंटर बनाए गए इसके? बरेली के सेंटर के बारे में तो एक्चुअली मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मेरे को नेटवर्क कोई बात नहीं है। नहीं, सेंटर्स पूछ रहे हैं हमारे जो मंडलीय कोल्ड चेन स्टोर है AD ऑफिस में, वहाँ पर 1,42,500 डोज उपलब्ध कराई गई है, जिसमें बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल और भदोही जिले की भी वैक्सीन आई हुई है। बरेली ज़िले को 35,350 डोज जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी, जिसको हम अभी अपनी गाड़ी से लेने जा रहे हैं और विद सिक्योरिटी फोर्स के साथ में वहाँ से वैक्सीन आज ला के यहाँ पर स्टोर कर ली जाएगी। 16 तारीख में हमारा 8 सेशन साइट हैं, जिसमें 8 जगह सत्र, एक एक सत्र लगाया जाएगा, जिसमें हमारे लाभार्थी होंगे 800, प्रत्येक सत्र पर 100 लाभार्थी होंगे। संबंधित कोल्ड चैन जहाँ से वैक्सीन दी जाएगी साइट पर, हम आज कल 2 बजे तक जो है वैक्सीन वहाँ भेज देंगे, और कुछ साइट्स जो हैं जो हम जिला जो स्टोर है वहाँ से वैक्सीन भेजी जाएगी। लाभार्थियों के नाम की लिस्ट, माइक्रो प्लान कल जो है सभी जगह पहुँच जाएगा। हमारे इसमें सत्र में पुलिस सिक्योरिटी पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें कि एक पुलिसकर्मी एंट्री द्वार पर रहेगा और वो चेक करके ही अंदर लाभार्थी को जाने देंगे। माना 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं वैक्सीन को, जिसमें स्टेट में 311 साइट चिन्हित की गई हैं, वहाँ पर लॉन्च कार्यक्रम होगा। और 2-वे कम्युनिकेशन माननीय प्रधानमंत्री जी से करने के लिए 2 जिले चयनित किए गए हैं, लखनऊ और वाराणसी। तो 16 तारीख से हमारा वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।